नमस्कार, प्रवासाक्षी के एक खास कार्यक्रम संसद डायरी में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अंकित सिंह। संसद के मानसून सत्र का आज चौथा दिन है। मणिपुर को लेकर आज भी विपक्षी दलों का जबरदस्त तरीके से हंगामा हुआ। हंगामे के बीच ही सरकार की ओर से कुछ कामकाज भी किए गए हैं। लोकसभा में विपक्षी दलों का एक ओर हंगामा हो रहा था, तो वहीं दूसरी ओर केंद्रीय सहकारिता मंत्री अमित शाह ने बहुराज्य सहकारी सोसाइटी संशोधन विधेयक 2022 को पेश किया और इस पर चर्चाओं का जवाब भी दिया। शाह ने कहा कि हम इस साल विजयादशमी या दिवाली से पहले एक नई सहकारी नीति लाएंगे। राज्यसभा में मणिपुर का मुद्दा उठा। विपक्षी दलों ने एक सुर में मणिपुर पर प्रधानमंत्री मोदी से जवाब मांगा। हालांकि सरकार का साफ तौर पर कहना है कि जिस तरीके से मणिपुर पर चर्चा हुई, उसी तरीके से बंगाल और राजस्थान पर भी चर्चा होनी चाहिए। दूसरी ओर गतिरोध को खत्म करने के लिए लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला की ओर से एक बैठक बुलाई गई थी। सबसे पहले बताते हैं लोकसभा में क्या कुछ हुआ है। पिछले 9 महीनों में केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों में 36,521 कर्मियों की भर्ती की गई है, जबकि 79,960 रिक्तियों के लिए भर्ती प्रक्रिया वर्तमान में चल रही है। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री निशित प्रमाणिक ने मंगलवार को लोकसभा में ये जानकारी दी। सरकार ने मंगलवार को लोकसभा में बताया कि उसने देश में शत्रु संपत्ति की नीलामी शुरू कर दी और ऐसी संपत्ति का प्रबंधन एवं निपटान एक सतत प्रक्रिया है। लोकसभा में सजदा अहमद के प्रश्न के लिखित उत्तर में गृह राज्य मंत्री अजय कुमार मिश्रा ने ये जानकारी दी। सरकार ने मंगलवार को कहा कि कुछ अनधिकृत और गैर मान्यता प्राप्त निजी वेबसाइट धोखाधड़ी वाले तरीकों से भारतीय ई वीज़ा जारी करने का प्रयास करती हैं और इसे रोकने के लिए अनेक कदम उठाए गए हैं। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने लोकसभा में एक प्रश्न के लिखित उत्तर में कहा कि ई वीज़ा के मामले में समय समय पर सरकार के संज्ञान में ये बात आई है कि कुछ अनधिकृत और गैर मान्यता प्राप्त निजी वेबसाइट भारतीय ई वीज़ा जारी कराने का प्रयास करती हैं। लोकसभा में शोर शराबे के बीच मंगलवार को जैव विविधता संशोधन विधेयक 2022 को मंजूरी दे दी गई, जिसमें जैव संसाधनों का उपयोग करते अनुसंधान को तेज करके पेटेंट संबंधी आवेदन की प्रक्रिया एवं अनुसंधान परिणामों को सुगम बनाने पर जोर दिया गया है। मणिपुर हिंसा के मुद्दे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सदन में बयान देने और फिर चर्चा कराने की मांग कर रहे विपक्षी सदस्यों के हंगामे के बीच केंद्रीय पर्यावरण जलवायु परिवर्तन एवं वन मंत्री भूपेंद्र यादव ने संसद की संयुक्त समिति द्वारा प्रेषित उक्त विधेयक सदन में विचारार्थ और पारित करने के लिए प्रस्तुत किया था। राज्यसभा की कार्यवाही। मणिपुर में हिंसा मुद्दे पर राज्यसभा में चर्चा को लेकर मंगलवार को सदन के नेता पीयूष गोयल एवं विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे के बीच नोकझोंक हुई। खड़गे ने इस मुद्दे पर चर्चा के साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सदन में मौजूदगी की मांग की। वहीं गोयल ने कहा कि विपक्ष शासित विभिन्न राज्यों में महिलाओं के खिलाफ अपराध मुद्दे पर भी सदन में चर्चा की जाएगी। 50 लोग सतत इस 267 पे डिस्कशन करने के लिए तैयार और वो 176 पे डिस्कशन करने के लिए वो तैयार है। तो जब इतने लोग 267 पे बात करने के लिए थे, आप जब वो उस पे जो बात करना चाहते हैं 2.5 आवर्स का, क्यों आप इस पे बात करने के लिए तैयार नहीं है? क्यों मोदी साहब यहाँ नहीं आते और बात नहीं करते? क्यों अपनी बात को नहीं रखते यहाँ पर? क्यों हमको समझाते नहीं है? वहाँ जो घटना घटी उसको बोलना चाहिए। बाहर तो बोलते हैं ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में, अरे मणिपुर के बारे में बात करो ना। ईस्ट इंडिया कंपनी तो और बात है। और नहीं, नहीं, आप देखो सर, महिलाओं के प्रति संवेदनशील नहीं है आप, सिर्फ पॉइंट
और पॉइंटलेस पॉइंट कर रहे हैं। पॉइंट होता तो आप चर्चा शुरू करते, पॉइंट होता आप पे दिल होता, आप पे संवेदनशीलता होती तो आज चर्चा चल रही होती, बजाय के आप तीन दिनों से चार दिनों से सदन की कार्रवाई को खराब करना, सदन को डिस्टर्ब करना, और देश देख रहे हैं, पूरा देश देख रहे हैं किस प्रकार से आप देश के जो भविष्य है उसको आप खराब कर रहे हैं, हमारे युवा युवतियों का भविष्य खराब कर रहे हैं। अगर आप पे संवेदनशीलता है, अगर आप पे वो दिल है तो आप तुरंत चर्चा शुरू करिए और सबके सामने आपके कारनामों के बारे में पूरा पता चले। राज्यसभा में मंगलवार को छत्तीसगढ़ में धनुहार, धनुवार, किसान, सौरा, सांवरा और बिंछिया समुदायों को अनुसूचित जनजाति की सूची में शामिल करने के प्रस्ताव वाले संविधान अनुसूचित जनजाति आदेश पांचवा संशोधन विधेयक 2022 को मंजूरी दे दी गई। राज्यसभा में इस विधेयक को चर्चा के बाद ध्वनिमत से पारित किया गया। राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ ने मंगलवार को आसन के बारे में कांग्रेस सदस्य पी चिदम्बरम के कुछ असंयमित एवं अनुचित शब्दों को लेकर आपत्ति जताई। वरिष्ठ कांग्रेस नेता ने सवाल किया था कि धनखड़ नियम 267 के तहत दिए गए नोटिस को प्राथमिकता क्यों नहीं दे रहे हैं। सरकार ने मंगलवार को कहा कि आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लक्षित लाभार्थियों के अस्पताल में भर्ती होने की स्थिति में खर्च में कमी आई है। स्वास्थ्य राज्य मंत्री एसपी सिंह बघेल ने राज्यसभा को एक प्रश्न के लिखित उत्तर में यह जानकारी दी। राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ ने मंगलवार को कहा कि प्रश्नकाल संसदीय कार्यवाही का दिल है, क्योंकि इसके माध्यम से सदस्यों को सरकार से प्रश्न पूछने के अवसर मिलते हैं। उन्होंने कहा कि संसद के प्रश्नकाल से सरकार की जवाबदेही तय होती है, वहीं पारदर्शिता भी आती है और इससे अंततः लोगों को मदद मिलती है। सरकार ने मंगलवार को राज्यसभा में कहा कि आम नागरिकों को वहनीय कीमतों पर गुणवत्तापूर्ण जेनेरिक दवाएं उपलब्ध कराने के लिए शुरू किए गए जन औषधि केंद्रों की संख्या बढ़कर 9,512 हो गई है। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण राज्य मंत्री एसपी सिंह बघेल ने उच्च सदन में प्रश्नकाल के दौरान एक पूरक सवाल के जवाब में ये जानकारी दी है। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।